नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां मंडी के अंदर गेहूं की आवक जोरों पर है और यहां मंडी के अंदर गेहूं जो है उच्च क्वालिटी का और बढ़िया गेहूं आ रहा है। वहीं गेहूं की आवक और गेहूं के भाव को लेकर आज हम यहाँ के व्यापारी अनिल गुप्ता जी के पास मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि मंडी के अंदर गेहूं की कितनी आवक हो रही है और मंडी के अंदर गेहूं के क्या भाव है। सबसे पहले तो अनिल गुप्ता जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। इस समय मंडी के अंदर आज गेहूं की कितनी आवक है और क्या भाव है? आज मंडी में गेहूं की आवक करीबन 6 से 7 हजार कट्टे के आसपास आ रहा है, जो कि आज गेहूं नीचे में 2325 रुपए, ऊपर में 2340 रुपए के आसपास गेहूं बिका है। तो कल क्या भाव थे? कल के गेहूं के भाव थे नीचे में 2250 रुपए, ऊपर में 2275 से 80 रुपए के आसपास बिका था। तो तेजी का कारण क्या मानते हैं? आज कल से आज कुछ आमद कम है और स्टॉकिस्ट का भी मन गेहूं में तेजी का है, इसलिए आज 40 से 50 रुपए गेहूं का बाजार तेज है। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस तरह की क्वालिटी का गेहूं अपने मंडी में आ रहा है? अपने यहाँ क्वालिटी पिछले साल से बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस बार बारिश का भी नुकसान नहीं है और किसानों को भी फसल बहुत अच्छी आ रही है और स्टॉकिस्ट में भी व्यापारी वर्ग कुछ तेजी में ज्यादा बैठे। जैसे अभी मिलर की अगर बात करें तो मिल में जैसे जाता है तो उसको लेकर वहाँ के जो है मिलर वाले वो भी क्या बोलते स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा कुछ गेहूँ का क्या है? हाँ, मिल वाले के भी अपनी मिलिंग पूरी चला रहे हैं और वे भी आगामी तेजी की वजह से अपना स्टॉक मिलों में डाल रहे हैं, लगा रहे हैं। अभी यहाँ पर अपने कौन कौन सी जगह का गेहूँ आ रहा है? अपने यहाँ तो भाई अलवर के आसपास जितने भी किसान के गाँव हैं उनका माल भी आ रहा है और इधर आपके डी कामा नदबई आपके बड़ौदा मालाखेड़ा ये आसपास की मंडियों का भी अपने यहाँ माल काफी आ रहा है। अगर ग्रेडिंग की बात की जाए तो ग्रेडिंग वाले जो गेहूँ है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है, ग्रेडिंग वाला ये क्या है? यहाँ पे भी काफी किसान अच्छी क्वालिटी की गेहूँ भी लेकर आ रहे हैं, तो भी ग्रेडिंग मशीन है अपने यहाँ भी एक दो मिले हैं, वे भी ऊंचे भाव में भी किसान का माल लेके और अपने ग्रेडिंग का काम भी हो रहा है और आपके कोटा साइड में भी ग्रेडिंग की गेहूँ आ रहे हैं जो पैकिंग होके अपने बाजार में बिक रहे हैं। तो अगर अभी यहाँ से कौन कौन सी मिलों में कहाँ कहाँ जा रहा है गेहूँ और क्या है पूरा? अपने यहाँ से तो MIE है, अपने काफी फैक्ट्रियाँ अपने काली मोरी के फाटक के आसपास भी है 2-3 फैक्ट्रियाँ और बाकी की कुछ जयपुर भी जा रहा है और आसपास की मंडियों में भी के आसपास भी काफी मिल है, वहाँ पर भी गेहूँ जा रहा है जो आटा बनता है। तो अभी लोगों के यानी कि अपन मानते हैं कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का आटा जो है खाने को मिल रहा है, मतलब? हाँ, इस साल क्वालिटी अच्छी है, आटा भी अच्छा बन रहा है और पब्लिक को अच्छी क्वालिटी का आटा का भी उपलब्ध हो रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर खरीद जो केंद्र है वो भी शुरू है? हाँ, अपने यहाँ है तो सही, बाकी किसान और खरीद केंद्र पे कम जा रहा है क्योंकि खरीद केंद्र और अपने यहाँ पर सेम से भाव है, 10-20 रुपए कहीं कभी अपने यहाँ तेज हो जाते हैं, कभी भाव ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है कि किसान व्यापारी को देना ज्यादा पसंद करता है? हाँ, तो किसान इसलिए ज्यादा देना चाहते हैं कि यहाँ किसान को तुरंत भुगतान मिल जाता है, वहाँ उनको लाइन में लगना पड़ता है, पेमेंट भी उनका एक दो दिन आगे पीछे भी आता होगा लेकिन इतना कन्फर्म नहीं हो, बाकी किसान मंडी में गेहूँ लाके बड़ा संतुष्ट है। यानी कि स्टॉक जो है वो अभी लगातार स्टॉक करने में लगे हुए हैं? हाँ, गेहूँ में सभी स्टॉक लगा रहे हैं, आगामी दिनों में भी बाजार तेजी आने की संभावना लगती है, मतलब पूरी संभावना है कि वो तेजी बाजार? हाँ, पूरी संभावना है। गेहूँ में काफी लोग तो 2600-2700 रुपए क्विंटल में बैठे हैं, इसलिए सब लोग गेहूँ का स्टॉक कर रहे हैं। ये हमारे साथ में मौजूद थे यहाँ के व्यापारी अनिल गुप्ता जी, उन्होंने हमको गेहूं के बारे में पूरा विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि अभी जो गेहूं है मंडी के अंदर कम आने के कारण जो भाव है उनमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, आज भी भाव बढ़े हैं गेहूं के, लेकिन आगामी जो आने वाले समय में गेहूं के अंदर भाव बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। नितिन शर्मा, अलवर।